तो आज हम लोग कुछ फैक्टर समझेंगे कि मौखिक कैसे बनाया जाता है। हमको इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता, ये बैंक में खास करके एसएससी में पूछ देता है ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई लेस देन, ये सब में काम आता है बहुत काम। तो यहाँ पे देखना है मुझको, यहाँ पे अगर इस तरह का ये फैक्टर रहेगा तो हम मुँह से कैसे बोलेंगे, मतलब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको दोनों को अगर यहाँ पे प्लस रहे यहाँ पे माइनस रहे, याद रखना है दोनों वैल्यू क्या आएगा, प्लस ही आएगा, पहला दिमाग। अब यहाँ पे खोजना है मुझको दो ठो नंबर हमको क्या मिल रहा, 2 और 1। तो 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, और इसी दोनों को 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस था। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 2 और 1 दोनों पॉजिटिव हो, डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का मतलब घटा करके 110 होना चाहिए, तो कितना है 11 और 10, 11 और 10, 11 में से 10 करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, 11 × 10 करेंगे तब पर भी हमको कितना होगा, 1 मिलेगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूज जाता है जो कौन सा वैल्यू प्लस होगा और कौन सा वैल्यू माइनस होगा। तो अगर इस तरह करेगा तो बड़ा वाला जो है सो पॉजिटिव हो जाता है और छोटा वाला जो है सो माइनस हो जाता है, मतलब इसका इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 11 और -10, ये याद रखना। अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस रहे तब देखिए काम तो वही करना, अगर माइनस है तो इसका मतलब घटा करके 7 होना चाहिए, तो 15 8 है, 15 8 120 और 15 8 घटाएंगे तो 7। अब वैल्यू किसका रहेगा, तो जब इस तरह का इक्वेशन रहेगा तो दिमाग में रखना है जो छोटा वैल्यू जो होगा वे पॉजिटिव होगा और बड़ा वैल्यू निगेटिव होगा, इसका जस्ट रिवर्स। तो कितना हो जाएगा, -15 और 8, हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह से ढूंढना है हमको और चुटकी में करेगा, जैसे इसका है तब इसमें प्लस जोड़ के 7 होना चाहिए, ऐड करके मल्टीप्लाई करके 12 होना चाहिए, तो 4 और 3 देख रहा हूँ, तो 4 3 आई, जब दोनों प्लस रहे दोनों वैल्यू इस ये में और ये में दोनों वैल्यू पॉजिटिव आता है, हम देख लिख भी दिए हैं 2 1, इसमें भी इसमें क्या होगा निगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा इसमें निगेटिव, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं, और आप भी कुछ बनाने क्वेश्चन कीजिए, जो भी इक्वेशन रहेगा हम मुँह से ही बनाएंगे। स्टूडेंट को आप यहाँ पे याद इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, चाहे वाई स्क्वायर रहे किसी भी रहे, तो डायरेक्ट हमको निकालना, उतना करने का ज़रूरत नहीं है जो कैसे हम करते हैं वो सब, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। तो 2 1 सेटिस्फाई किया, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, इसमें रहेगा तो ये बड़ा वाला बिगर जो होगा, बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा और छोटा वैल्यू जो है सो निगेटिव होगा। और उसके बाद इस फॉर्मेट में जस्ट इसका रिवर्स है, उल्टा है दूसरे का, इसमें बड़ा वाला जो है सो माइनस होगा, छोटा वाला प्लस होगा, तो इसमें एक्स का वैल्यू ये हो गया। और ये इस जब दोनों प्लस रहेगा तो इस करने का सेंस पूरा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस में जाएगा, तो सब वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें प्लस प्लस वैल्यू आएगा, इसमें बड़ा वाला प्लस आएगा, इसमें छोटा वाला माइनस आएगा, इसमें बड़ा वाला माइनस आएगा, इसमें छोटा वाला आएगा, इसमें दोनों वैल्यू निगेटिव आएगा। इससे बहुत सारा बैंकिंग में इक्वेशन पूछता है, और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, जब जब इक्वेशन देंगे तो इजीली हम बना सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।